नमस्कार, आप देख रहे हैं माई लॉट। ऑनलाइन रमी, क्रिकेट, पोकर, कैरम में सट्टा लगाने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें सट्टेबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही ड्राफ्ट में खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने की भी बात कही गई है। क्या है पूरा माजरा और कैसा होगा ये सरकार का नया नियम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बीते एक दशक में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में काफी वृद्धि देखने को मिली है। कई युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया है और बहुत सफलता भी हासिल की है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व साल 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। दरअसल बीते कुछ वक्त में गेमिंग के जरिए कई बार हिंसक और अश्लील गेम भी बच्चों के बीच आने लगे हैं, जिसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए देश भर से ऑनलाइन गेमिंग को नियमित करने की मांग उठी है। इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को नियमित करने हेतु कुछ नियम प्रस्तावित किए हैं। ऑनलाइन गेम्स भारत के कानूनों के अनुरूप हो और यूजर्स के हितों की रक्षा हो। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सट्टेबाजी से संबंधित कानून का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी पर पूर्णतया रोक होगी। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए खेलने जाने वाले गेम, जिन्हें यूजर्स कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से खेलता है और गेम में भाग लेने के लिए यूजर्स नगद या फिर ऑनलाइन माध्यम से पैसे जमा कराते हैं। नए नियमों के मुताबिक हर गेमिंग कंपनी को मंत्रालय की मान्यता प्राप्त स्व नियामक संस्थान के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गेम को लॉन्च करने से पहले 100 नियामक संस्थान से गेम को वेरीफाई कराना होगा। इतना ही नहीं, गेमिंग प्लेटफॉर्म को यूजर्स को वेरीफाई कर सेवा की शर्तों से भी अवगत कराना होगा। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कई लोग लाखों रुपए का चूना लगवा चुके हैं और कुछ मामलों में हत्या करने तक की खबरें सुनने को मिली हैं, जिसके मद्देनजर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों को सख्त बनाने की मांग उठ रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार का ये फैसला लोगों के लिए राहत की खबर है। इसका कितना असर होगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा। कानून जगत से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माई लॉट।